Okay, so I was lying there with my legs wide apart. And then he told me. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव. आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. भूल गए तेज के बाल के जेल के भूल गए. तो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में. तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले एक टेक चैनल के बारे में, और वो भी टेक चैनल कोई ऐसा वैसा नहीं है, इंडिया का सबसे टॉप मतलब सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जो है टेक चैनल, उसके बारे में बात करने वाले हैं. और वो है, सबको पता है, टेक्निकल गुरुजी. धीरे धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला. तो गाइस, टेक्निकल गुरुजी पे मेरा कोई भी वीडियो बनाने का इरादा था ही नहीं, मतलब था ही नहीं उन पे वीडियो बनाऊं मैं. लेकिन अब उन्होंने हरकत ही ऐसी कुछ कर दी है कि भाई अब मेरे को वैसा ही करना ही पड़ा. और उसका रीज़न काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है, वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा. तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो गाइस, टेक्निकल गुरुजी के बारे में बात करने से पहले अपन जान लेते कि भाई टेक चैनल बनाते कैसे. तो स्टेप नंबर वन, किसी भी नाम के सामने टेक्निकल लगा दो, जैसे कि टेक्निकल जन्नू मुन्नू पुन्नू. स्टेप नंबर टू, बाबा रामदेव जी जैसी दाढ़ी बढ़ा लो. स्टेप नंबर थ्री, बैकग्राउंड चेंज. और आखिरी स्टेप, थंबनेल में क्रिंजी सा गंदा सा मुंह बना के वीडियो पोस्ट कर दो. और फिर नमस्कार दोस्तों, मैं भैरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस, टेक्निकल गुरुजी का चैनल मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले चालू हुआ था, तब उस टाइम के वीडियो उनके काफी ज्यादा नॉलेजेबल थे. तो चलिए उस टाइम के उनके वीडियो देख लेते हैं. क्या गुरुजी विदाउट दाढ़ी? भाई तो आलू विदाउट समोसा हो गया यार. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. साला इंट्रो है क्या, भूकंप का केंद्र बिंदु लगा दिया. और भाई थंबनेल कैसा लगा यार? सारे थंबनेल में एक जैसा मुंह. इनको क्या ही पता है? गुरुजी के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि भाई गुरुजी इंफॉर्मेशन देने नहीं, इंफॉर्मेशन पूछने आए हैं. और मैं उसे एक बार करता हूं ट्राई बेंड करने की इस फोन को. ग्लास पूरा बाहर आ रहा है. और ओके दोस्तों, ये फोन जो है ना, ये दो टुकड़ों में हो रहा है भैया. This is not a strong device. और इस प्रकार उस मासूम फोन का गुरुजी द्वारा शोषण किया गया. This is not a strong device. 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 नहीं भाई, मतलब इतनी जान लगा दी कि फोन के दो टुकड़े हो गए. और फिर क्या? This is not a strong device. तालिया तालिया तालिया, गुरुजी की तो तालिया तालिया. This is not a strong device. अच्छा हुआ कि आपने बता दिया फोन टूट गया, वरना हमें तो लगा था उसके अंदर से बच्चा निकलने वाला है. आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं. लेकिन वैसे ना, गुरुजी की एक बात माननी पड़ी गया, गुरुजी एक भी पेड रिव्यू नहीं बनाते. और ये बात उन्होंने खुद 4 साल पहले कंफर्म की थी. आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी तो सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस की, उन्हीं फोन्स की, या एक्स वाई जेड किसी भी आइटम की, जो मैंने खुद ने अपने आप के लिए खुद से यूज करने के लिए परचेज किए हैं. इसके अलावा आपको कोई भी एक्स वाई जेड अनाप शनाप अनबॉक्सिंग या कुछ भी नहीं मिलेगा टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे. गुरुजी खुद फोन खरीद के रिव्यू करते, तो फिर वो 5 गिवअवे के फोन क्या बाबा रामदेव जी गिफ्ट करते हैं क्या? सैमसंग का हलाल बहन. मैं आज के बाद मेरे YouTube चैनल पे कोई भी इस तरह की फोन की वीडियो अपलोड नहीं करूंगा. ये गॉड प्रॉमिस है मेरी तरफ से. फोन की वीडियो अपलोड नहीं करूंगा. ये गॉड प्रॉमिस है मेरी तरफ से. और उस मासूम को क्या पता था कि उसकी 3-4 साल पहली वीडियो 2020 जैसे पनौती साल में देखी जाएगी. आई एम वॉचिंग दिस वीडियो इन 2020. अब क्या विचार है? अब क्या विचार है? अनबॉक्सिंग 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 अनबॉक्सिंग. फोन की वीडियो अपलोड नहीं करूंगा. ये गॉड प्रॉमिस है मेरी तरफ से. What the fuck? गुरु जी ने धोखा दे दिया यार, लेकिन इस बात ने प्रूफ कर दिया. कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं. What the fuck?
इन शॉर्ट कहूँ तो टेक्निकल गुरुजी का चैनल पहले ज्ञान बांटने के लिए बना था, लेकिन अब तो बस तो गाइस फाइनली OnePlus ने अपना न्यू स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर ही दिया है और हमारे पास आया है OnePlus का बॉक्स और आज हम करने वाले इसको अनबॉक्स। तब तक के लिए देखते रहेगा, मेरा नाम है भैरव, आप देखते हैं टेक्निकल गुरुजी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली OnePlus का नया फोन OnePlus 69 मार्केट में लॉन्च हो ही चुका है। हमारे पास आया है OnePlus का न्यू फोन, तो सबसे पहले इस बॉक्स को खोलते हैं अपन। इसको खोलते किधर से, किधर से खोलते इसको, इधर से कहाँ से खोलते इसको, सरप्राइज मदरफ, कहाँ से खोलते इसको, ओ भाई पाले आ जा पड़े। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी OnePlus की, जिसको ग्रेविटेशनल पुल अनबॉक्स टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फ़ोन अनबॉक्स हो चुका है, सबसे पहले फ़ोन देखने को मिलता है। I got a bad feeling about this. काफी अच्छा फोन है, दिखने में तो काफी अच्छा है। क्या बैटरी भी है, बैटरी भी काफी अच्छी, मतलब दूसरे बॉक्स में आती है प्रेशर, वो देखिए ये है वो बैटरी, देखिए लग गए। लेकिन इस फोन में सिर्फ एक ही कमी है और वो है, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग डिवाइस। अगर सीधे सीधे मेरे भाषा में कहूँ तो टेक्निकल गुरुजी का चैनल पहले टेक्निकल हुआ करता था, लेकिन अब तो बस डब्बा खोल चूतिया बनी कार्यक्रम बन चुका है। और भाई जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का ट्रेंड चल रहा था, तब उस वक्त तो भाई सैनिटाइजर लगा के और जब भाई टिकटॉक बैन हो गया है ना, राड़ा ही कर डाला भाई। और आज से कुछ ही दिन पहले OnePlus Nord की अनबॉक्सिंग, और भाई सिर्फ OnePlus ही नहीं बल्कि Oppo, Vivo, Moto, Redmi ऐसे चाइनीज फोन की भी इन्होंने अनबॉक्सिंग की थी। और मेरे को मतलब मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी क्योंकि मेरे तक आई नहीं हो, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब नहीं हूँ, पहले करता था जब मैं छोटा बच्चा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो ऐसे चैनल को अपन अनसब्सक्राइब है। लेकिन फिर भी मैंने जब OnePlus Nord का देखा ना वीडियो, भाई मेरा सही में भाई दिमाग सटक गया। और भाई मेरे को हंसी तब आई, सही में हंसी तब आई जब भाई OnePlus के फ़ोन में उन्होंने उनका वो वीडियो लगाया टिकटॉक बैन वाला, और उस पर ऐड आई टिकटॉक की और उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया। चाइनीज फोन को प्रमोट करके चाइनीज ऐप को रिपोर्ट मारो और समझो कि मैं देशभक्त हूँ। कौन सा गांजा फूंकते हो बे, और ये सब कांड करने के बाद भी जय हिंद वंदे मातरम। जोक सपाट, गुरुजी मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि भाई प्लीज आप चाइनीज प्रोडक्ट को प्लीज प्रमोट ना करें, भले वो कितने भी पैसे दे, चंद पैसों की वजह से आप चाइनीज प्रोडक्ट को प्लीज प्लीज प्रमोट ना करें यार। क्यों पता है क्या, आपकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपके 18 मिलियन कुछ तो भी तुमके आपके सब्सक्राइबर है, उसमें से मतलब आपको देख के काफ़ी सारे लोग मोबाइल ले लेते हैं यार, आपका रिव्यू देख के मतलब वो अनबॉक्सिंग देख के काफ़ी सारे लोग वो मोबाइल खरीद लेते हैं, और उसका पैसा डायरेक्ट जा रहा है चाइना को, और चाइना का वही पैसा हमारे इंडियन सोल्जर्स पे बॉम्ब बन के गिर रहा है। और भाई सिर्फ टेक्निकल गुरुजी नहीं बल्कि जो भी चैनल है, जो भी टेक्निकल चैनल है, वो उन्होंने ज़्यादा करके प्लीज़ चाइनीज प्रोडक्ट को प्लीज़ 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 प्रमोट ना करें। सही में भाई कड़कड़ी नहीं सांग बता रहा मैं, निकल जा रहा भाई प्लीज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद से बता रहा कि भाई प्लीज़ ऐसा प्रमोट ना करें। अगर गुरुजी की जगह कोई और चैनल होता, मतलब जिसके कम सब्सक्राइबर, 50,000 सब्सक्राइबर वाला या फिर 1,00,000 सब्सक्राइबर वाला, उसने अगर ये काम ऐसा कर दिया होता तो भाई एक टाइम का वो हजम हो जाता, क्योंकि उसको उसका घर चलाना है। और ज़्यादातर जो भी स्मार्टफोन्स है इंडियन मार्केट में, वो सारे चाइनीज स्मार्टफोन है, क्योंकि वो स्मार्टफोन्स के रिव्यू नहीं करेगा तो उसका घर चल नहीं पाएगा। तो एक तो चाइनीज प्रोडक्ट को रिव्यू करेगा वरना भूखा सोएगा, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता, उसको चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है। तो चलो उसकी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारा क्या है यार,
भाई तुम्हारा दुबई में बंगला है, करोड़ों की गाड़ी में घूमते, फिर भी तुम पैसों के चक्कर में चाइनीज फोन को प्रमोट कर रहे। पैसा, पैसा, पैसे को खाएगा क्या? और मेरी कही हुई कुछ भी बात अगर गुरुजी आपको बुरी लगी होगी तो प्लीज माफ कर दीजिए मेरे को। मेरा मतलब मेरा आपसे क्या प्रॉब्लम है यार? आप मेरे घर नहीं आते, मैं आपके घर नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे, बस इतना ही। वो मत कीजिए, मैं भी खुश, आप भी खुश, इंडिया खुश, लाइक मत मार देना प्लीज। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और तुम सब्सक्राइब तो करो भी। तो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। खाना खिलाया ना, पैसा दे, स्टूडियो किराया भरा था ना, पैसा दे, मुझे तूने शो पे गवाया ना, पैसा दे, मैं फोकड़ में आया था। छोटे सोच वाले तेरा वो काला, तू बंटाई से भिड़ गया, समझा क्या लाला, तू पैसे कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने संभाला, तू टूटेला ताला, तू खुलेला नाला, झूठी तेरी बोली तेरा काम बारी जाला, बंटाई हटेला है, समझा क्या लाला, तू लकली सवेरा में सच्चा उजाला, यहाँ तेरा काम ही नहीं है, अंडरग्राउंड म्यूजिक में तेरा नाम ही नहीं है, तू फोकट दिखावा करता है।